नमस्ते दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमें हरी पत्ती वाली सब्जियां रोज खानी चाहिए। इनसे हमें बहुत से विटामिन, आयरन एंड प्रोटीन मिलते हैं। मेथी के पत्तों की सब्जी तो कई तरह से बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मेथी अरहर की दाल की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। यहाँ मैंने 100 ग्राम अरहर की दाल ली है, जिसको साफ करके 3-4 बार पानी में धोकर ले लिया है। 100 ग्राम मेथी के पत्ते लिए हैं, इनको भी साफ करके 3-4 बार पानी में धोकर बारीक काट लिया है। 3 कप पानी लिया है, 1/4 कप रोस्टेड छिली हुई मूंगफली जिसको दरदरा कूट लिया है, 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 नींबू। गैस पर मैंने कुकर रख दिया है, गैस को ऑन कर देंगे। इसमें तेल डाल देंगे, तेल गरम हो गया है, इसमें हींग डाल देंगे, राई, जीरा, इसको मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, मिर्ची, धनिया पाउडर, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, नमक डालेंगे। अब ये पानी गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम अरहर की दाल डालेंगे। पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें अरहर की दाल डाल देंगे। मेथी के पत्ते डाल देंगे, कुटी हुई मूंगफली डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। और इसको 4 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में 4 सीटी बज गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसको खोल लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नींबू निचोड़ देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पतली दाल पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा पानी गर्म करके और मिक्स कर सकते हैं, और अगर गाढ़ी दाल पसंद है तो ये दाल बनकर तैयार है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। मेथी अरहर की दाल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट से बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।